आए दिन ना हम सेल्फ लव के बारे में बात करते, सेल्फ केयर के बारे में बात करते, बट नाउ इट्स टाइम फॉर सेल्फ सेलिब्रेशन। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना खुद की जय, खुद के लिए जश्न, सेलिब्रेशन फॉर योर ओन सेल्फ। आप जो भी हैं फिलहाल, आप जो भी हैं जिस हाल में है, खुद के साथ खुद का जश्न, एक ऐसा रिश्ता ट्रू टू योर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ नहीं, आप जो बनना चाहते थे उसके साथ नहीं, लेकिन आप जो है, आपकी जिंदगी का उस हिस्से में जो आप है उसका जश्न मनाना कितना जरूरी है। सेलिब्रेशन फॉर योर सेल्फ इट्स मैंडेटरी नाउडेज। खुद के उस पार्ट को एक्सेप्ट करना, उसे एक्नॉलेज करना एज अ पर्सन, उसे प्यार करना, आप जो भी हो, जैसे भी हालात में हो, फिलहाल आप जो भी हो उसका जश्न मनाना, खुद को सपोर्ट करना, आपके उस डिसीजन में चाहे अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसे एक्नॉलेज करना, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। ये छोटी छोटी चीजें एक इंसान को बहुत बड़े डिप्रेशन से भी बचाती है। टू सेलिब्रेट योर ओन सेल्फ एज अ पर्सन, जिंदगी के किसी हिस्से में अपने आप को एज अ चीयर लीडर बनाना पड़ता है, तब जाके हम खुद को प्यार कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो सब झेल के तुम यहां तक पहुंचे हो, ये पल शाबाशी के लायक है, तालियों का हकदार है, इसलिए खुद की जय तो बनती है, इससे बड़ा ना कोई सेलिब्रेशन नहीं है। शायद बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखते वक्त ये लगता होगा कि करना क्यों, इससे क्या होगा। एक बेहतर इंसान अगर आप बनना चाहते हो इस कैओटिक मैसी वर्ल्ड में, तो ये करना बहुत जरूरी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मॉल रिमाइंडर। जब आप खुद को सेलिब्रेट करते हो, खुद का सेल्फ सेलिब्रेशन करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपकी वॉक, आपके वाइब, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके साथ लोगों के साथ बात करने का तरीका, आप जब लोगों के साथ मिलते जुलते हो, उठते बैठते हो, आपके अंदर ही आपका एक ऑरा डेवलप होता है और वही आपको दुनिया से अलग बनाता है, यहाँ पे काम होता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे ये जादू करता है। सो एम्पावर करो खुद को सेल्फ सेलिब्रेशन के साथ, एक्नॉलेज योरसेल्फ, अपने आप को एनकरेज करो और हर एक छोटी छोटी चीज का सेलिब्रेशन करो एंड सी द मैजिक। अब ये कैसे करना है सेल्फ सेलिब्रेशन, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फर्स्ट राइट डाउन ऑल योर अचीवमेंट्स। आपने अब तक जो भी हासिल किया है, जो भी आपने पाया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, स्टार्ट फ्रॉम 20s या टीनेज में जो भी आपने हासिल किया, अब तक आपके पास जितने भी अचीवमेंट्स है, छोटी से छोटी चीज नोट डाउन करो, कहीं पे लगाओ कि दिन के दरमियान आपके बेडरूम में, कहीं पे भी, आपके मोबाइल फोन में, उसका वॉलपेपर भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग जिसके ऊपर आपकी नजर पड़े। और जब भी आपका दिन बुरा जाए, जब भी आपको लगे कि आज दिन अच्छा नहीं था, जब भी दिमाग ही आपको नोटिफिकेशन दे के आज तो कुछ किया ही नहीं तुमने, तब इसे पढ़ो, तब इसके ऊपर नजर डालो एंड सी द डिफरेंस इन योर मूड। आप यहां तक इतना सफर तय करके पहुंचे हो, एंजॉय दिस मोमेंट, ये आपका जश्न है, इसे मिस मत करो। राइट डाउन ऑल योर अचीवमेंट। दूसरा, जब किसी और की जिंदगी में कुछ होता है तो हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, आपके दोस्त, आपके नजदीकी लोग, जब उनकी लाइफ में कुछ खुशी का मौका होता है तो हम सब डिनर पे जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, उनका फेवरेट आइसक्रीम लेके जाते हैं या उनको फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। सेम आस्क योरसेल्फ कि आज आपको कैसे सेलिब्रेट करनी है अपनी इस जीत को। गो टू एन आइसक्रीम पार्लर, हैव अ नाइस आइसक्रीम, अपना फेवरेट फ्लेवर एंजॉय करो, बाय अ ब्रांड न्यू लिपस्टिक, अप्लाई इट एंड टेक अ सेल्फी एंड सी द डिफरेंस। आपने अपने उस पल में एक पूरी जिंदगी भर दी, इससे बड़ा कोई सेल्फ सेलिब्रेशन हो सकता है क्या? और जरूरी नहीं कि कुछ खास हो तभी सेलिब्रेट करना चाहिए, रोज रोज तो अचीवमेंट नहीं होंगे, पर हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। सो काउंट योर क्वालिटीज। आप दूसरों को सुनते हैं, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, दैट यू आर अ वेरी गुड लिसनर। आप कंसिस्टेंट है अपने काम में, अपनी जॉब में, आपके किसी खास चीज में, इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी। आप स्मार्ट है, आप हार्ड वर्किंग है, आप दूसरों को हमेशा इज्जत देते हैं, आपको लोगों के बर्थडेज, एनिवर्सरी, स्पेशल डेट्स याद रहते हैं, इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी। सो काउंट योर क्वालिटी।
और खुद को प्रेज करो दैट यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक. दिस इज द मोमेंट टू सेलिब्रेट योर सेल्फ. लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये मेरा फेवरेट है, आपने कभी खुद को आईने के सामने खड़े रहकर हाई फाइव दिया है? इसे ट्राई करना, इट्स मैजिकल. जब हम आईने के सामने खड़े रहकर खुद को देख के खुद के साथ ही हाई फाइव करते हैं तो हमारी बॉडी से एक हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होता है, डोपामाइन. एग्जैक्टली, चॉकलेट खाने के बाद जैसी फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग आएगी. और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, हैप्पीनेस तुरंत मिल जाती है. मैं जनरली थम्स अप करती हूँ, बात करती हूँ ऐसे करके कि यस जिया, यू डिड इट, यू कैन डू इट. ये सारे सेल्फ टॉक, ये सारे सेल्फ सेलिब्रेशन आपको दूसरों से अलग बनाते हैं. आई होप ये वीडियो आपको काम लगे. गुड लक विथ सेलिब्रेटिंग यू. एंड रिमेंबर, जब आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं तो लाइफ आपको सेलिब्रेट करती है इन रिटर्न.